मुझे लेपर्ड मिला है, और लिटरली बता रहा हूँ, लेपर्ड जब मुझे मिला ना सड़क पे, लाइक अब नेक्स्ट टाइम मैं अगर कभी आया यहाँ पे मैं जरूर एक बार देखूंगा कि मेरे को जगह याद रहे, मैं कभी यहाँ खड़े थे, मोमोज खाए थे, और अभी अगली बार पता नहीं होना। हाँ, 9 और मोमोज 6 out of 5 honestly, मोमोज दे एक्सीड आर मोमोज एक्सपेक्टेशन honestly, मतलब बहुत ही टेस्टी मोमोज है, लेजिट। क्योंकि आपका जो इंटेंट है वो बहुत सही है इसको लेके ना, दैट इज वेरी बिग थिंग। डॉक्टर हैं बाकी, हम कंप्यूटर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, और मतलब काफी ऑफ बीट जगह है बट वर्थ इट है। हां, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है एक नया दिन। आज थोड़ा सा ऐसा हो गया था ना कि सुबह मौसम थोड़ा ख़राब था तो मैं लेट हो गया आने में। मुझे ऐसे लग रहा था कि यार बारिश होगी तो कैसे करेंगे, फिर बाद में सोचा कि नहीं यार चले जाते हैं, कंटिन्यू तो करना है ना, हर दिन एक व्लॉग तो देना है। जिस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रुकना पड़ जाएगा तो रुक जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। तो एनीवेज आज सुबह तो नहीं आया था मैं, गुड मॉर्निंग तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चलो हर दिन एक नई सुबह है। तो मैं पहुँचा था यहाँ 12:30 बजे, और अभी भी देख लो मौसम थोड़ा ना ख़राब सा है, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी है आज। अड़चने तो आएगी पर करना तो है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो फिलहाल आज की बोनी हो गई है, भाई आए थे सोलन से 4 लोगों का ग्रुप, तो उन लोगों ने मोमोज़ खाए हैं, व्लॉग में नहीं आए वो, ऑब्वियसली होते हैं ना कुछ लोग शाये होते हैं। बट अब मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है जब मुझे वीडियोस पे रिस्पांस ये मिल रहा है कि यार सही है, आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेशन मिल रहा है, वो बोलते हैं ना नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, तो वो है यार, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है पहले और अभी भी कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इस जगह से एक यूट्यूबर बनना ही बनना चाहिए। तो लेट्स सी, बाकी आज मैं ज़्यादा स्टॉक नहीं लेके आया हूँ क्योंकि मौसम भी ख़राब था तो कम ही बना पाए थे, तो कम ही लेके आया हूँ, बट वो ख़त्म हो जाएगा तो टाइम से निकलेंगे। फिर कल संडे है, अगर तबीयत ठीक रही तो मैं आऊँगा, नहीं रही तो फिर देखते हैं क्या होगा। चलिए फिलहाल मिलते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूर। आजकल अगर ब्लॉग थोड़े छोटे भी होना तो उसको भी इग्नोर कर लो क्योंकि ज़्यादा मटेरियल नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके बाय। कितने हुआ भाई साहब? 50 रुपीज़। सोलन में प्रॉपर रोल नहीं है, उसमें ही है भाई घर, तभी तो बोला मैंने आपको, हमारा जंगल में सब कुछ होता है, हम जंगली आदमी हैं। तो आज मैंने अपना सेटअप सारा इधर कर दिया है, यहाँ पे इस व्यू के साथ, क्योंकि स्कूटी के ऊपर ना दिक्कत हो रही थी, स्कूटी पे जैसे उस तरफ से हवा चलती है ना ऑपोजिट साइड से तो गैस बुझनी शुरू हो जाती है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी इस तरफ से सही है। मैं इसके चारों चार कपड़ा लगा देता हूँ ना, नीचे से तो हवा नहीं आती। ये भी पेटी का बनाया हुआ जुगाड़ है भैया। वो पैकेट ना यहाँ दे दो मुझे, मैं यहाँ डाल दूंगा, कचरा नहीं फैलाना बिल्कुल नहीं, क्यों। सो ये है कुछ आज का सेटअप। चाय का मैंने सिस्टम थोड़ा बंद कर दिया क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी कि कभी मोमोज गर्म करो फिर चाय वाले आ गए तो उनके लिए चाय बनाओ, तो मैंने सोचा मोमोज ही करते हैं जो है, क्योंकि बिजनेस नहीं है ना। मोमोज कैसे थे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ेदार। भाई लोग सोलन से आए हैं यहाँ गिरी गंगा, तो देख लो भाई ये जगह भी फेमस होनी चाहिए, क्यों, है ना, सही है ना जगह। मेरा मोटिव भी यही है, इस जगह को प्रमोट करना है। तो मेरा चैनल है रॉ हैप्पीनेस। ओके मिलते हैं आप लोग, ओके जी, ओके सोलन में ही मिलेंगे। ओके मिल गए ना, अच्छा लगता है जब इंटरेक्शन होती है ना लोगों के साथ में कि यार सही है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो भैया लोग आए हैं अमृतसर से, और ये यहाँ पे मोमोज टेस्ट कर रहे हैं। अब बताओ कैसे लग रहे हैं मोमोज? बहुत बढ़िया मोमोज, बहुत बढ़िया। और पहाड़ों में मोमोज कैसे लग रहे हैं? तो और भी तो सोने पे सुहागा, ऊपर से बारिश, सही ऊपर से बारिश, गरम मोमोज और व्यू। हाँ व्यू तो अल्टीमेट, कोई रीस नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ग्रुप लाना हो यहाँ पे घूमने आना हो तो फिर है रिकमेंडेड प्लेस ही, बिल्कुल, मतलब काफी ऑफ बीट जगह है बट वर्थ इट है। हाँ बहुत कम लोग आते हैं कंपैरेटिवली। आप लोग कब आए थे? आज सुबह ही आए थे या फिर? हम आए कल, हम गए चंचल पास। अच्छा चंचल पास से वापस आ रहे हैं, वापस घर को जा रहे हैं। तो चंचल में रुके थे? चंचल में नीचे के रुके थे, ऊपर नहीं रुके, जो एक होम स्टे है वहाँ। हाँ जी, हाँ नीचे एक होटल, रिवर साइड स्टे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ग्रेट ग्रेट। तो कितने दिन से अभी ट्रैवल कर ही रहे हो आप लोग?
दूसरा दिन आज हमारा कल सीधा पटियाला से यहाँ पे अच्छा चल फिर इसके बाद फिर से जॉब हाँ उसके बाद फिर से वापस काम पे जी मंडे से कॉर्पोरेट में ऐसे ही होता है बिल्कुल जी बिल्कुल तो भाई डॉक्टर हैं बाकी हम कंप्यूटर इंजीनियर हैं कंप्यूटर इंजीनियर हैं ओके कोई ना मेरे पास अगर कभी कंप्यूटर हुआ तो कुछ करवाएंगे वैसे तो नहीं है बट मुझे अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना लोगों के साथ न्यू लोग जब आते हैं और इसके पीछे मोटिव ये है कि मैं इस जगह को प्रमोट करना चाहता हूँ मतलब कि आपका जो इंटेंट है वो बहुत सही है इसको लेके ना दैट इज वेरी बिग थिंग लाइक अब नेक्स्ट टाइम मैं अगर कभी आया यहाँ पे मैं जरूर एक बार देखूंगा कि मेरे को जगह याद रहे मैं कभी यहाँ खड़े थे मोमोज खाए थे पर अभी अगली बार पता नहीं होना हाँ मेरे पास अभी वो मैं कह रहा हूँ ना 90 डेज है या नहीं वो भी नहीं पता बट आई स्टिल ट्राई टू कंटिन्यू यहाँ नहीं मिलूंगा तो सड़कों पे मिल जाऊंगा फॉलो करते हैं हाँ आपको मैसेज करेंगे नेक्स्ट टाइम कहीं घूमने आए यहीं पे डन डन या मोमोज खाने कहाँ बहुत स्वाद मोमोज आ गया सच्ची लोकेशन अगर लोकेशन की बात करें तो सर 5 out of 5 नो डाउट और मोमोज 6 out of 5 ऑनेस्टली मोमोज दे एक्सीड आवर मोमोज एक्सपेक्टेशंस ऑनेस्टली मतलब बहुत ही टेस्टी मोमोज है लेजिट चलो ये कैमरा देख के नहीं बोल रहे ये सच में ऐसा बोल रहे हैं एनीवेज थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू और मैं आप लोगों को बोलूंगा फॉलो करना सब्सक्राइब करना अभी करवाता हूँ चलो ये देखो सब्सक्राइब बेल आइकन भी दबा दिया मैंने और बताओ सब्सक्राइब करने का स्ट्रगल है यू विल रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस बेल आइकन भी दबा दो और बताओ और सब बढ़िया आप बताओ भाई लोगों से अप्रिसिएशन लेने के बाद लगा बहुत अच्छा क्योंकि जब इंटरेक्शन होती है ना तो मज़ा आता है अभी कुछ और कस्टमर्स है जो बोल के गए कि कब तक हो आप तो उनके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे फिर मिलेंगे आप लोगों से आगे थोड़ा सा और आगे स्पेशल आए हैं मोमोज खाने के लिए ये हमारे फॉलोअर हैं इन्होंने वीडियो देखे और शिमला से पहुंच गए और यहाँ देखो बारिश ओले पड़ रहे हैं भयंकर लेकिन मोमोज कैसे थे बहुत ही शानदार मज़ा आ गया नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे 15 डेज चलो मिलेंगे आप लोगों से अभी आप लोग जाओ बहुत बारिश हो रही है अच्छा लगा मिलके शाम को ब्लॉग में मिलते हैं चैनल सब्सक्राइब करवा देना ओके ओके बाय बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और भीगने का तो पूरा ही सिस्टम ही हो गया यहाँ पे देखो सब कुछ खुला है आज तो खुद को भूख लगी थी तो खुद भी मोमो खा लिए चलो अब यहाँ से ना निकल ही जाएंगे क्योंकि देखो मौसम और ज़्यादा ख़राब हो रहा है शीम निकल गया नाक से दोस्तों मैं वहाँ से निकल आया आज फिर से जल्दी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ऊपर मौसम भी ख़राब हो गया देखो अभी आप लोगों को देख के लग रहा होगा ना अंधेरा अंधेरा सा लेकिन अभी टाइम 4:15 हुए है सिर्फ और दिन इस टाइम पे धूप होती है लेकिन आज बहुत ही आसमान ख़राब हो रहा था मैंने सोचा कि अब निकल देते हैं स्टॉक भी ऑलमोस्ट ओवर था 1-2 प्लेट बची होगी चलो उतना तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं आ गया हूँ नीचे को तो काफ़ी बारिश हो रही है ऊपर यहाँ पर अभी ओले ही हुए थे ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी बट अब बिजलियाँ कड़क रही ये सुनो तो ऐसे में जंगल में रुकना ठीक भी नहीं है जिंदा रहेंगे तो 90 डेज बिजनेस चैलेंज करेंगे ना तो चलिए अब घर निकलते हैं आगे का सीन देखते हैं सारा कैसा है आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कल रात को जब मैं निकला था रोडू से तो उस टाइम पे यार मुझे लेपर्ड मिला है और लिटरली बता रहा हूँ लेपर्ड जब मुझे मिला ना सड़क पे मेरी तो सांसें थम गई थी अगर किसी को पता हो तो जो ये हाटकोटी से ऊपर आते हुए जो पेट्रोल पंप है उसके पास इधर को जो सीधा सा जंगल सा आता है वहाँ पे मुझे लेपर्ड मिला है कल और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही कि मैंने कैमरा नहीं लगाया था क्योंकि रात को मैं कभी नहीं करता मोटो ब्लॉग तो वो बिल्कुल बीच सड़क में था और मेरे हाथ पैर ढीले हो गए लेकिन मैं उसके बाद भी पता नहीं कैसे हिम्मत करके वहाँ से निकला हूँ वो मैं ही जानता हूँ नीचे तो बहुत भयंकर बारिश हो रही है मुझे लग रहा है अभी आगे उतर के ना मुझे रेनकोट डाल लेना चाहिए क्योंकि अगर मैं ऐसी बारिश में गया तो मेरा तो मोर बन जाएगा चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से कल तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय एंजॉय स्टे सेफ अगर कल मौसम ख़राब रहा तो शायद मैं नहीं आऊँगा क्योंकि यार मेरे पास सर ढकने को कोई जगह नहीं है जैसा कि मैंने बोला था मैंने तिरपाल भी हटा दिया है मैं नहीं चाहता कोई ऑब्जेक्शन हो तो अगर बारिश हुई तो मिलेंगे परसों
90 डेज वाला चैलेंज कंटिन्यू रखेंगे। मैंने ये सोच तो लिया है, अब देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल अब मैं अपना रेनकोट निकाल लेता हूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। चलो जी,